हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मुंबई की स्पेशल डिश मसाला टोस्ट की रेसिपी, और ये घर पे ही हम बनाएंगे। ये बहुत ही स्वाद में बहुत ही चटपटा सा होता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस पे पैन को डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, आप भी जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं 1/2 चम्मच जितना सरसों डाल रही हूँ, काला सरसों। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा, ये गोटा जीरा है। इसे हम थोड़ा पकने देंगे। अब ये अच्छे से पक चुका है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च को फाइनली चॉप करके यूज किया है। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा करी पत्ता, 8 से 10 करी पत्ता मैंने यूज किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा हल्दी हमारा पक जाना चाहिए। अब इसके पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 उबले हुए आलू, जिसे मैं मैश करके डाल रही हूँ। मैंने 4 उबले हुए आलू को मैश करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे। मैंने गैस की आंच को कम ही रखा है और कम आंच पे ही मैं इसे भून रही हूँ। इससे आलू भी अच्छे से पक जाएगा और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा आलू के साथ। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और जो बड़े बड़े साइज के आलू हैं उसे हम थोड़ा तोड़ लेंगे। अब अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। फ्रेंड्स, बड़े बड़े साइज का जो आलू रह जाता है उसे हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच हरी धनिया, जो फाइनली चॉप करके मैंने यूज किया है। फिर से हम इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मसाला अब तैयार हो गया है। तो आगे की तैयारी करेंगे। आगे की तैयारी के लिए मैंने 2 ब्रेड लिया है, मैंने व्हाइट ब्रेड यूज किया है। इस पे हम लगा देंगे बटर। हम दोनों ही ब्रेड में एक साइड बटर यूज करेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने दोनों ब्रेड में बटर लगा दिया है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे हरी धनिया की चटनी। आप सैंडविच चटनी जो घर पे ही बना सकते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सैंडविच चटनी ही यूज किया है हरी धनिया की बना के। वो हम दोनों ही ब्रेड पे लगा देंगे। बटर लगाने से क्या होगा कि बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो जाएगा ब्रेड पे। तो अच्छे से लगाने के बाद हम इसमें आलू वाला मसाला जो हमने तैयार किया है वो अच्छे से एक ब्रेड पे फैला देंगे। हमें एक ही ब्रेड पे फैलाना है। अच्छे से अपना कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम डाल देंगे 2 कटे हुए गोल शेप में प्याज। उसके ऊपर हम पाव भाजी मसाला स्प्रेड करेंगे। हम थोड़ा सा छिड़क देंगे पाव भाजी मसाला, अपने स्वाद अनुसार यूज करें। हम फिर टमाटर लगा देंगे। और फिर हम उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर से शिमला मिर्च थोड़ा गोल शेप में कट करके डालेंगे। उसके ऊपर भी हम चाट मसाला या पाव भाजी मसाला, या फिर दोनों ही आप थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर ब्रेड को लगा देंगे और थोड़ा दबा देंगे ताकि ये आपस पे सेट हो जाए, आसानी से हम उसे पका सके। इसे हम तवे पे बनाएंगे फ्रेंड्स। हम अगर आपके पास टोस्टर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह तवे पे भी बना सकते हैं इसे। तो मैंने तवे को गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब हम उसमें बटर लगाएंगे। उसके ऊपर हम इसे रख देंगे। फ्रेंड्स, एक सैंडविच पॉट है आपके पास तो आप उसमें भी बना सकते हैं। हैंड
जो सैंडविच पॉट आता है हैंड हाथ से बनाने का, उस पर भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब मेरा एक तरफ लाल हो गया है, तो मैंने इसे पलट लिया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे बटर लगा देंगे। अब दोनों तरफ से हमें पूरी तरीके से लाल होने तक इसे अच्छे से पका लेना है। हमें इसे दोनों तरफ से ही लाल करना है। अब मैंने इसे लो फ्लेम पे ही रखा है। लो फ्लेम से क्या होगा कि अंदर की सब्जियां भी बहुत अच्छे से पक जाएगी और ये धीरे धीरे लाल होगा। तेज आंच पे ये जलने लगेगा और अंदर की सब्जियां भी ठीक से पकेगी नहीं, इसलिए लो फ्लेम पे ही फ्रेंड्स इसे लाल करें। और अच्छे से पकने के बाद आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। हम चार भाग में हम इसे कट करेंगे। अभी चार भाग में मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा बेसन का सेव, जो हम चाट वगैरह में भी यूज करते हैं, वो थोड़ा हम इसके ऊपर थोड़ा हम डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स अब आपका मसाला टोस्ट तैयार है सर्व करने के लिए। आप अंदर से भी देख सकते हैं कि कितना टेस्टी दिख रहा है। आप इसे ट्राई करें। अगर आप ट्राई करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से ईजी और आसान और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।